Welcome to Al-Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 6, Direct and Inverse Variation. Size 6, book page number 84. And question number 16. Okay, the first 15 question exercise 6 के हम previous lecture में solve कर चुके हैं, तो आज हम इस lecture में exercise 6 के question number 16, 17, 18 और chapter number 6 के MCQ solve करेंगे. तो ये हमारा chapter number 6 जो है वो आज complete हो जाएगा. और देखिए question number 16 क्या है? Divide rupees 60,720 profit among the three partners of a firm in the ratio 2:3:7. के प्रॉफिट हुआ है, तीन पार्टनर्स थे जो एक ही फर्म में काम करते थे और उनको 60,720 का प्रॉफिट हुआ है और वो उन्होंने आपस में डिवाइड करना है. और डिवीजन की रेशियो क्या है? 2:3:7. व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच? तो हर पार्टनर का शेयर कितना होगा? अगर रेशियो 2, 3 और 7 हो तो हर पार्टनर का जो है वो शेयर क्या हो, कितना होगा और पार्टनर्स कितने हैं? 3 हैं. तो सोल्यूशन देखें, प्रॉफिट कितना है? रुपीज 60,720. रेशियो इन शेयर्स, शेयर्स में रेशियो क्या है? 2:3:7. देन नंबर ऑफ शेयर्स, फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? इनको प्लस करेंगे, जब 2 को 3 में प्लस करेंगे तो 5 + 7 = 12. शेयर ऑफ 1, तो फिर एक का शेयर कितना होगा? फर्स्ट की रेशियो क्या है? 2. फिर 2 को डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से और मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्रॉफिट से. ठीक है, जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60,720 से तो आंसर हमारे पास आएगा 121,440. ठीक है, फिर हम इस 121,440 को डिवाइड करेंगे 12 से. जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 10,120 रुपीज. तो एक पार्टनर का शेयर कितना होगा? 10,120 रुपीज. नेक्स्ट द शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर. तो ये फर्स्ट पार्टनर जो पहला पार्टनर था उसका शेयर है. नेक्स्ट द शेयर ऑफ द सेकंड पार्टनर, सेकंड रेशियो क्या है? 3. इसी तरह 3 को डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉफिट से. तो 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 60,720. तो शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर इज इक्वल टू, जब हम 60,720 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 182,160. ठीक है, और फिर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे. जब हम 182,160 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 15,180 रुपीज़. तो ये जो 15,180 रुपीज़ हमारे पास आए हैं ये सेकंड पार्टनर का शेयर है जिसकी रेशियो जो है 3 ये बनती है. नेक्स्ट है शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर, कि तीसरे पार्टनर का शेयर कितना होगा. तो अब थर्ड रेशियो 7 है तो 7 को डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ शेयर से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे होल प्रॉफिट मीन 60,720 से. तो जब हम 60,720 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 425,040. ठीक है, तो शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर क्या होगा? 425,040 को डिवाइड करेंगे हम 12 से. जब 425,040 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 35,420 रुपीज़. तो थर्ड पार्टनर का शेयर क्या होगा? 35,420 रुपीज़. तो इस तरह ये प्रॉफिट जो है वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया. दस शेयर ऑफ वन पार्टनर इज इक्वल टू रुपीज़ 10,120, शेयर ऑफ सेकंड पार्टनर इज इक्वल टू रुपीज़ 15,180 एंड शेयर ऑफ थर्ड पार्टनर इज इक्वल टू रुपीज़ 35,420. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया जिसमें हमने प्रॉफिट को तीन पार्टनर्स में डिवाइड करना था, उनमें रेशियो 2:3:7 थी तो हमने इसको सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:4:6:7. आपको पता है कि क्वाड्रिलेटर जो है उसके उसमें 4 एंगल्स होते हैं, तो क्वाड्रिलेटर के एंगल्स में रेशियो क्या है? 3:4:6:7. फाइंड द
measures of the angles. तो हमने angles के sizes find करने हैं, यानी angles की पैमाइश find करनी होगी. Hint, ये hint है, the sum of the angles of a quadrilateral is 360 degree. के एक quadrilateral के सारे angles का sum किसके equal होता है? 360 degree के equal होता है. तो ये ratio given है इनमें, और ये है कि sum of the angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. तो solution देखें. सोचिए, मैं सबसे पहले सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल किसके इक्वल है? 360 डिग्री. द रेशियो इन द एंगल्स 3:4:6:7. देन सो नंबर ऑफ एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स कितने हुए? इन सब को हम प्लस करेंगे. 3 + 4 = 7 + 6 = 13 + 7 = 20. तो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं? 20. देन फर्स्ट एंगल, तो फिर पहला एंगल क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का? पहले रेशियो क्या है? 3 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एंगल्स से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 360, जो कि एंगल्स का सम होता है. जब हम 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 1080. ठीक है, फिर हम 1080 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 54 डिग्री, जो कि फर्स्ट एंगल होगा. वो क्या है? 54 डिग्री. तो फर्स्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 54 डिग्री. नेक्स्ट है द सेकंड एंगल. अब सेकेंड एंगल क्या होगा? रेशियो क्या है सेकेंड? 4. तो 4 को डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ एंगल्स से, और मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ द एंगल्स मींस 360 से. जब हम 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो आंसर हमारे पास आएगा 1440. ठीक है, फिर हम 1440 को डिवाइड करेंगे 20 से. जब हम 1440 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो आंसर आपके पास आएगा 72 डिग्री. इट्स मीन तो सेकंड एंगल है क्वाड्रिलेटरल का, उसका साइज कितना है? 72 डिग्री. नेक्स्ट द थर्ड एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, अब थर्ड रेशियो क्या है? 6. तो 6 को डिवाइड करेंगे हम 20 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 360 से. तो जब 360 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 2160. फिर थर्ड एंगल के लिए हम 2160 को डिवाइड करेंगे 20 से. जब हम 2160 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा 108. तो 108 जो है वो हमारे पास थर्ड एंगल होगा क्वाड्रिलेटरल का. नेक्स्ट द फोर्थ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब फोर्थ रेशियो क्या है? 7 है. तो हम 7 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एंगल्स से, और मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ एंगल्स मीन 360 से. जब हम 360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 2520. फिर फोर्थ एंगल के लिए हम 2520 को डिवाइड करेंगे 20 से. जब 2520 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर जो आएगा वो होगा 126. तो जो फोर्थ एंगल होगा क्वाड्रेटर का, वो किसके इक्वल होगा? 126 डिग्री. सो द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रेटरल आर, जो एंगल्स हैं क्वाड्रेटरल के, उनकी मेजरमेंट्स क्या हैं? 54 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री एंड 126 डिग्री रिस्पेक्टिवली. ठीक है, और ये चेक करने के लिए कि आपने जो एंगल्स फाइंड किए हैं ये ठीक हैं, इसके लिए आप इन सब को प्लस करें, तो आंसर 360 के इक्वल अगर आ जाए, तो इट्स मीन आपने जो एंगल्स के साइज फाइंड किए हैं वो ठीक फाइंड किए हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 16 और 17 हो गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ द साइज 6, जो कि अगर साइज 6 का लास्ट क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 18 देखें, द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:4:5. के एक ट्राइंगल है, उसके जो अंदर अंदरूनी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका साइज में, उनके साइजेस में रेशियो क्या है? 3, 4 एंड 5. फाइंड द साइज ऑफ इट्स लार्जेस्ट एंगल. तो हमने इसके सबसे बड़े एंगल का साइज फाइंड करना है. हिंट, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. के ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो ट्राइंगल के एंगल्स में के साइजेस में रेशियो 3:5, 4:5 है, और सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो हमने इसमें सबसे बड़ा एंगल फाइंड करना है ट्राइंगल का. सॉल्यूशन देखें, सम ऑफ द एंगल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. रेशियो इन द साइज इन साइजेज इन द एंगल्स, ठीक है, साइजेज ऑफ एंगल्स क्या है यहाँ पे ऑफ आएगा 3:4:5. देन टोटल एंगल्स कितने होंगे? हम 3 + 4 = 7, 7 + 5 = 12. टोटल एंगल्स 12 के इक्वल आ जाएंगे. फर्स्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो पहला एंगल ट्राइंगल का क्या होगा कि फर्स्ट रेशियो क्या है? 3. तो 3 को डिवाइड करेंगे हम टोटल एंगल्स से, और मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स से.
जब हम 180 को मीन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आंसर आएगा 540, ठीक है। फिर 540 को डिवाइड करेंगे 12 से तो हमारे पास 45 आएगा, जो कि फर्स्ट एंगल होगा ट्राइंगल का। फर्स्ट एंगल क्या है? 45 डिग्री। नेक्स्ट, सेकेंड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सेकेंड एंगल ट्राइंगल का कैसे फाइंड करेंगे? सेकेंड रेशियो हमारे पास क्या है? सेकेंड नंबर 4 को डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ एंगल्स से, वो कितना है? 12। फिर मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, जो कि 180 है। हम 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 720, ठीक है। अब ये 720 है तो 720 को हम डिवाइड करेंगे 12 से सेकेंड एंगल को फाइंड करने के लिए। हम 720 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 60। तो इट्स मीन सेकेंड एंगल जो है ट्राइंगल का वो क्या होगा? 60 डिग्री। नेक्स्ट है थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, के एक ट्राइंगल का तीसरा एंगल क्या है? थर्ड रेशियो क्या है? 5 को डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ एंगल्स से और मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स से, ठीक है। जब हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर होगा 900, और फिर 900 को डिवाइड करेंगे 12 से। जब 900 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा आंसर? 75 डिग्री के। थर्ड एंगल क्या होगा? 75 डिग्री। सो द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के वो क्या है? 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो एक ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स क्या क्या है? 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। और इनमें से हमने सबसे लार्जेस्ट एंगल बताना था कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो सबसे बड़ा एंगल 75 डिग्री है, ठीक है। द लार्जेस्ट एंगल ऑफ एन इंटीरियर ट्राइंगल इज क्या है? 75 डिग्री। तो ये हमारी एक्सरसाइज 6 के क्वेश्चन 18 भी सॉल्व हो गया। इट्स मीन साइज 6 जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट जो हम चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे अभी। नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर 6 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपकी बुक पेज नंबर 65 पे, तो हम अभी इनको सॉल्व करते हैं। देखें, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, कि आपको जो ऑप्शंस गिवन हैं आप इनमें से करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करें। नंबर 1 देखें, अब नंबर 1 क्या है? इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:5 एंड बी रेशियो सी इज इक्वल टू 5:6, अगर ए रेशियो बी जो है वो 3:5 के इक्वल हो और बी रेशियो सी जो है वो 5:6 के इक्वल हो, व्हाट इज ए रेशियो बी रेशियो सी? तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगी? अब देखिए कॉन्टिन्यूड रेशियो है ये, इसमें जो है बी दोनों में कॉमन है तो उसकी वैल्यू क्या है? 5, ठीक है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी किसके इक्वल होगा? 3:5:6, 13:15:16, 3:30:6, 2:5:6। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा मीन्स ए रेशो बी रेशो सी जो है वो 3:5:6 के इक्वल होगी। इट्स मीन ए आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 2, इफ रुपीज 75,000 आर टू बी डिवाइडेड अमंगस्ट ए बी एंड सी इन द रेशो 5:4:6, अगर रुपीज 75,000 जो है, ठीक है, उनको हमने डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, ए बी और सी में, और रेशियो क्या है उनकी? 5:4:6। हाउ मच डज ए गेट? तो जो फर्स्ट होगा ए वाला, उसके पास कितनी रकम आएगी? रुपीज 15,000, 30,000, 20,000 एंड 25,000। तो जब हम ये क्या है 5 है, तो हम 75,000 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर हमारे पास आएगा 15,000। इट मीन जो ए पार्टनर है उसके को कितनी वो कितनी मनी रिसीव करेगा? 15,000। तो ए जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 3, हाउ मच डिस्टेंस डज इन अ ट्रेन कवर इन 1 × 1/2 hours व्हेन ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, कि एक ट्रेन जो है वो 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी अगर उसकी ट्रैवलिंग स्पीड जो है वो कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। कि अगर वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है तो फिर वो 1.5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? ए 90 किलोमीटर, बी 100 किलोमीटर, सी 120 किलोमीटर एंड डी इज इक्वल टू 150 किलोमीटर। तो अगर वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो 1.5 घंटे में, ठीक है, 120 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग,
कि ये जो आपके पास स्टेटमेंट है इसमें कौन सी वेरिएशन जो है वो रिप्रेजेंट की गई है. व्हेन मोर टाइम इज अलॉटेड द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इज लेस. जब बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है और काम करने वाले जो अफराद होते हैं वो कम होते हैं तो इसमें कौन सी वेरिएशन यूज हो रही है. ए इनवर्स, बी डायरेक्ट, सी कॉन्टीन्यूड, डी वन नन ऑफ अबव. तो इसमें आप देखें कि टाइम ज़्यादा अलॉट किया जा रहा है और नंबर ऑफ वर्कर्स कम है तो ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन है. इट्स मीन इस नंबर फोर में जो है सब करेक्ट ऑप्शन ए होगा, इनवर्स वेरिएशन इन्वॉल्व हो रही है इसमें. नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरीज इनवर्सली विद द नंबर ऑफ आइटम्स बॉट. कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो इनवर्स वेरिएशन के साथ है कि अगर नंबर ऑफ आइटम्स के चीज़ें अगर हम खरीदें तो. नंबर ए प्राइस पेड, नंबर बी प्राइस ऑफ ईच आइटम, नंबर सी लॉयल्टी पॉइंट्स एंड नंबर डी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, तो अगर जो है चीज़ जितनी भी हम चीज़ें खरीदेंगे उसमें इन्वर्सली कौन सी वेरिएशन इन्वर्स करेगी के प्राइस ऑफ ईच आइटम, तो बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, प्राइस ऑफ ईच आइटम. नंबर सिक्स, 52 मैन हैव प्रोविजंस दैट लॉस्ट फॉर 3 डेज. के 52 लोगों को प्रोविजंस दी गई है जो कि 3 दिन जारी रहेगी. हाउ मैनी डेज विल द प्रोविजंस लॉस्ट फॉर 39 मैन. अगर 52 से आदमी जो है वो 39 हो जाए तो फिर प्रोविजन कितने दिन तक चलेगी. नंबर ए 56, बी 7, सी 13 एंड डी 4. तो अब देखिए जब 52 आदमी थे तो 3 डेज तक वो चली है, जब 39 आदमी होंगे तो वो कितने दिन तक चलेगी फिर, 4 डेज तक. ठीक है, कितने तक चलेगी, 4 डेज तक. इसके लिए हम 52 में से माइनस करेंगे 39 को. ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, फिर उसका हम डिवाइड करेंगे 3 से 4 आएगा. राशिद कैन मेक 100 टॉयज इन 5 डेज. 5 दिनों में राशिद जो है वो 100 खिलौने बना सकता है. हाउ मैनी टॉयज विल ही मेक इन 4 डेज. तो 4 दिनों में वो कितने खिलौने बनाएगा. नंबर ए 500, बी 80, सी 25 और डी 20. 25 से देखिए कि अगर वो 5 दिनों में 100 खिलौने तैयार करता है तो 4 दिनों में वो कितने खिलौने तैयार करेगा, तो कितने होंगे. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 80 ट्वाइस जो है वो मेक करेगा 4 डेज में. नंबर 8, अ कार कैन ट्रैवल टू 120 किलोमीटर इन 1 into 1 by 2 hours. एक कार जो है वो 1 into 1 by 2 hour में यानी 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है. हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 5 hours. तो 5 घंटों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. अगर वो 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकती है तो 5 घंटों में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी. नंबर ए 200 किलोमीटर, नंबर बी 240 किलोमीटर, नंबर सी 180 किलोमीटर एंड नंबर डी 400 किलोमीटर. तो इसके लिए हम 120 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से. जब हम 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 400 किलोमीटर, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका. नंबर 9 है, एन अलॉय कंटेन्स 13 पार्ट्स ऑफ कॉपर एंड 7 पार्ट्स ऑफ जिंक. एक अलॉय है, ठीक है, उसमें 13 पार्ट्स हैं कॉपर के और 7 पार्ट्स हैं जिंक के. हाउ मच जिंक इज देयर इन 60 ग्राम ऑफ द अलॉय. तो अगर 60 ग्राम अलॉय के हों तो उसमें कितना जिंक होगा. 13 पार्ट्स कॉपर के हैं और 7 पार्ट्स जिंक के हैं, तो अगर अलॉय जो है 60 ग्राम हो तो उसमें कितना जिंक होगा, 21 ग्राम, 13 ग्राम, 7 ग्राम या 10 ग्राम. तो इसमें फिर क्या होगा, 7 को जब हम अब 13 7 पार्ट से जब हम 6 तो आंसर हमारे पास आएगा कि अगर हम 600 को डिवाइड करते हैं थर्टीन रेशो 7 है, तो फिर वहाँ से जो जिंक की आपके पास
निकलेगा वो कितना होगा 210 ग्राम. तो करेक्ट ऑप्शन आपका है 210 ग्राम. नंबर 10, इफ टू मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 6 आवर्स, अगर दो आदमी जो है वो एक काम 6 घंटों में कंप्लीट कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 3 मैन टू कंप्लीट इट, तो 3 बंदे जो है वो इस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगाएंगे, कितने घंटे लगाएंगे, सॉरी 12 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स या 9 आवर्स. ठीक है, तो अगर 6 बंदे इस काम को 2 दिनों में कंप्लीट करें तो 3 बंदे इस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे. थ्री हावर्स. तो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो है 3 हावर्स. तो ये सॉरी ये बहुत ही बड़ा हो गया है, दोबारा से इसको हम यूज करते हैं. तो ये MCQs भी सॉल्व कर लिए हमने, हमारा चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे. अल्लाह हाफिज़.